ये देखें पानी किधर तक है और कितना क्लियर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, पानी की पानी बहुत ठंडा है। अस्सलाम वालेकुम, आज फिर वीकेंड आ गया और आज हम जा रहे हैं सैंड हेवन बीच। ये है सन्डरलैंड, जो लास्ट टाइम मैं बीच गया था उससे थोड़ा सा आगे है ये, तो उधर जा रहे हैं। मुझे सैंड भी चाहिए थी एक्वेरियम के लिए, फ़िश टैंक के लिए, तो मैंने प्लान बनाया था कि जाना है लाजमी इस वीक, तो अभी उधर चल रहे हैं। आए चलते हैं, मैं मिस्टी और बेगम हम तीनों ही जा रहे हैं। बकेट्स मैंने रखी हुई हैं डिग्गी में, चार बकेट्स हैं बड़ी, तो बीच साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी सैंड ही है पर ये थोड़ी सी उससे आगे देखते हैं। और 110 माइल है, 1 ओवर 57 मिनट्स की ड्राइव है। तो दोस्तों फाइनली हम इधर पहुँच गए हैं और जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है कि लिटरली मैं कहता हूँ ये तो उस बीच से भी ज़्यादा, ब्लैक पूल से भी ज़्यादा प्यारी है। और क्या नाम, डेफिनेटली ब्लैक पूल, और वो दूसरी जगह जो है क्या नाम है उसका, जिधर रोकर बीच से हम गए थे। और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, मिस्टी अंदर बैठी कह रही मुझे बाहर निकाल लो, सफा कर जाए एक मिनट, यू कैन टेक हर आउट। ये मेरी बकेट्स भी पड़ी हैं जिसमें सैंड जमा करनी है, पहले मैं टिकट लगा लूँ ना, टोकन लगा लूँ इससे पहले। किधर है टोकन मशीन, वो लगी हुई है। तो अभी मैंने कॉइन की मेरे पास चेंज नहीं थी। इधर है 3 ओवर्स का 2.60, तो मैं 3 ओवर्स का लगाने लगा हूँ क्योंकि बीच बहुत प्यारी है। और 3 ओवर्स का 2.60 चेंज लिया मैंने यहाँ से ही था, तो मैंने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया 2.60 आ गया, 2.60 के 3 ओवर्स हैं। और टिकट देगा, प्रिंटिंग टिकट प्लीज़, टिकट आ गई है, पैसे अंदर चले गए, ये टिकट आई है, इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहीं ना कहीं YT61NS है। तो ये भी गाड़ी में रखते हैं और फिर यहाँ से बीच पे जाते हैं। बहुत प्यारी बीच लग रही है और बहुत प्यारा व्यू है। कम कम इस्टी, अभी हम बीच में एंटर हो गए। कम इस्टी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंडी सैंड मिस्टी इंजॉय कर रही है, और इस साइड पे बहुत प्यारा व्यू है। तो खैर लोगों को बीच में नहीं डाल सकते ज़्यादा। तो ये बीच बहुत प्यारी थी बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुत्ता नहीं अलाओ, उस पर लिखा था कि 100 पाउंड का फ़ाइन है जो ब्रेक करेगा लॉ। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं वही पुरानी रोकर बीच पर। ये बीच बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और इधर अपने भी हैं काफ़ी सारे, बीच में हम आए थे क्योंकि उस बीच पे कुत्ता अलाउ नहीं था। तो अभी हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं, 1 घंटा हो गया मैं इस बीच पे, तो उस बीच पे जाऊँगा मैं, पहले वीडियो बनाऊँगा और फिर वापस आऊँगा क्योंकि वो बीच इधर से ज़्यादा, वो बीच इधर से ज़्यादा बेहतर थी। देख सकते हैं व्यू इधर का, इतना प्यारा है, कितना प्यारा इस टाइम इधर का व्यू है। ये मिस्टी बैठी हुई है इधर, उसको कुछ नज़र आ रहा है खाते पीते हुए। पानी आप देख सकते हैं कितना साफ़ है। अभी हम दूसरी बीच पे जा रहे हैं, बीच पे जाऊंगा उधर की वीडियो बनाने लगा हूँ। 5 बज गए अब यहाँ पे, तो इसके बाद उधर जाऊंगा, उधर खाना शाना खाएंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो आए हम चलते उधर। तो दोस्तों ये उस बीच की जगह है कि आप देख सकते हैं कितनी दूर तक ये फील्ड है, और आप देखें वो नीचे पानी वगैरह उस साइड में, उस साइड में वो बीच थी। तो ये भी नीचे से उधर ही रास्ता जा रहा है, पहले मिस्टी को इधर लेके जाएंगे ताकि वो पिशी पोटी कर ले और फिर उस साइड में पकड़ ले कैमरा। अब पर अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैंने तो पहले वीडियो बनानी थी, मैं इस वजह से आया। तो जिसके पास कुत्ता ना हो उसके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है इस जगह पर। कैमरा शैमरा तो नहीं लगा, 1 मिनट के लिए तो वापस आना है। ओह ये तो सैंड इधर ही सामने पड़ी थी, जैसे बकेट में भर के ले आता उधर से भी थी। एग्जैक्ट वो की मैंने। तो खैर मैं दिखाता हूँ, ये एग्जैक्ट बीच है जिधर हमने आना था, वो ये पार्ट था, पर इधर कुत्ता नहीं अलाउ था तो इस वजह से हमें थोड़ा सा मसला हुआ हुआ था। उस साइड भी आवाम भरी हुई है, बैठी हुई है। वाओ लुक एट दिस, प्यारी जगह है। ऊपर पता नहीं पीछे क्या कैसल है कि क्या है वो नहीं पता मुझे। अच्छा वो एंड तक है नीचे, वो ऊपर पीछे तक जा रही है जगह। खैर ये इसका एक हिस्सा इस साइड पे पार्किंग का, एक हिस्सा दूसरी साइड पे पार्किंग का। तो बहुत प्यारी जगह थी, मेन पॉइंट ये था। वो ऊपर कोई वो भी बनी हुई है, क्या उसको कहते हैं, टैंक टाइप का, पर पता नहीं क्या है वो।
कंफर्म नहीं है। मेन पॉइंट ये था मेरा आने का इस दफ़ा। तो खैर अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में, उस साइड पे मेन बीच की जो जगह है सारी वो उस साइड पे थी। ये एक दो तीन ये 2000 पाउंड का कुत्ता है, बड़े कानों वाला कुत्ता। तो बस ये चल लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, स्टोन्स बने हुए, पीछे घर हैं, और ये भी मैं उसी की जगह में यही बीच के साथ ही इधर आया हूँ। और मिस्टी इधर पिशी पॉटी जो इसने करनी है वो कर लेगी, मैं ये आगे जा रहा हूँ जिधर स्टोन बना हुआ। बहुत प्यारा व्यू है, पानी सी की साइड में सारी, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा है नज़ारा, बहुत प्यारा नज़ारा है। मिस्टी को ऑफ लीड कर सकता हूँ, पर इधर कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, वो देखो उधर बैठे हुए वो खाना पीना कर रहे हैं अपना। व्यू बहुत प्यारा है, आखिर का ये जिस तरह चलने का हिस्सा बनाया हुआ है, ये काफ़ी लंबा हिस्सा है, बहुत लंबा पार्ट है। पिकनिक कर रहे हैं उधर आके, अब हम काफ़ी लोग इधर पिकनिक शिकनिक करते हैं। बेस्ट प्लेस अभी तक यानी कि जितने बीचों पे ब्लैक पूल नहीं मज़े की, ये उससे बहुत ऊपर की जगह, बहुत अच्छी जगह, प्यारी जगह। और ऊपर जब ये जगह मैंने देख ली है, लास्ट टाइम मैं आया था मैं इस जगह पे क्यों नहीं आया। अच्छा 6 बजे के बाद कुत्ते अलाउ हैं इधर, मॉर्निंग में 8 to 6 डॉग्स नहीं अलाउ, बट उसके बाद डॉग्स अलाउ हैं यहाँ पे। तो वो बंदा एक अच्छा ये जी वहाँ से वो सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, हम आगे चले गए थे मुझे नज़र नहीं आई। तो पानी बहुत साफ़ है नीचे, मुझे यहाँ खड़े होकर वहाँ पर स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, और अभी बस वहाँ नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या प्यारा व्यू है। एंड हो गया इधर, ये देखें पानी किधर तक है और कितना क्लियर नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह, पानी की पानी बहुत ठंडा है, और मिस्टी वापस पीछे भाग गई थी। बिस्मिल्लाह, ओ मिस्टी तू क्या वेकर नहीं हुए, बहुत ठंडा पानी है, आखिर का ठंडा पानी है, कितना क्लियर नज़र आ रहा है अगर आप देखें, और बहुत बहुत प्यारा व्यू है। हाज है ना, हाज है, हाँ वापस आना और उधर जाना, वापस आना इतना हार्ड नहीं है, लेकिन उधर जाना वो हार्ड है थोड़ा सा। अभी हम जा रहे हैं उस कोने में, तो वीडियो बना रहे हैं, और बहुत प्यारा नज़ारा है। एक्सेस एंड फोकस स्टार लॉग आई डोंट नो, बहुत प्यारा पानी है और जगह भी बहुत प्यारी है। वाह मिस्टी ऊपर भागी, ये पानी आया जैसे ऊपर, कितनी प्यारी जगह बनी हुई है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, तू किधर भाग के जा रही है, वाह लुक एट द व्यू, सुभान अल्लाह गाइस, सुभान अल्लाह, लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू, सुभान अल्लाह।
पर व्यू बहुत प्यारा है, इधर आने का मज़ा है। पहले अब पता नहीं बिल्कुल तालाब क्यों नहीं था उस टाइम, नहीं तो हम पहले इधर ही आते। बहुत प्यारी जगह है, सुभान अल्लाह। और पानी देखना कितना प्यारा है, ओ साफ है, सॉरी पानी की मुझे डेफिनेटली स्विमिंग आती होती ना मैं अंदर चला जाता। और वो जिस तरह वो एक बंदा उधर बोर्डिंग कर रहा है, अभी मेरा पानी कितना है सुभान। खम इसी मिस्टी खम तो ये देखिए कितना मैं अभी आ गया है वो, और कितना क्लियर नीचे नज़र आ रहा है पानी में, सैंड सैंड भी नज़र आ रही है, इवन मुझे स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है। तो बहुत प्यारी जगह है। मिस्टी कम कमे मंजे पकड़ी इसको, बहुत प्यार, बहुत ठंडा पानी, तो बहुत ठंडा हो गया इस टाइम, उफ बहुत ठंडा, आखिर का ठंडा पानी है। मछली नहीं नज़र आ रही मछली होती तो उसको पकड़ने की ट्राई करते, पर थोड़ा सा हो सकता है आगे हो मछली, पर बहुत प्यारा आखिर का व्यू है, और पानी मौसम बहुत प्यारा है, इंजॉय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नई जगह एक और डिस्कवर हो गई। लुक एट दिस स्टोन, कितना वो केव बनी है, सुभान अल्लाह। डेफिनेटली इस जगह पे जिसने आना हो लाजमी आए ये प्लेस पे। तो ये है जी संडरलैंड में, वन बाटले से है 1 hour and 59 minutes, 2 hours की ड्राइव है एक किस्म की। तो बहुत प्यारी जगह है, यानी कि वर्थ इट है ये प्लेस, इस जगह पे आके वर्थ इट है। अच्छा जी, जो इस प्लेस पे हम आए थे जो प्रॉपर बीच थी जी, अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं, अब खाना पीना करेंगे कुछ, जो खाना पीना हमने, और फिर उसके बाद सीधा घर। और ये फील्ड बहुत बड़ी बड़ी फील्ड है, पीछे तक फील्ड्स हैं, तकरीबन 4-9 माइल की फील्ड्स हैं, बहुत प्यारी प्लेस है, बहुत प्यारी। अभी हम वापस पहुंच गए हैं बाटले, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बड़ा अच्छा रहा, बहुत प्यारी जगहें थी रास्ते में, जिस जिन जगहों से मैं आया था वापसी में, क्योंकि मोटरवे से नहीं आया था। तो आते के साथ ही मिस्टी को इधर फील्ड में ले आया हूँ, क्योंकि इसने पेशाब करना था, इसने वहाँ पर कहीं पर भी पेशाब या टट्टी नहीं की। तो उसके अलावा अभी खाना उधर से नहीं लिया हमने, तो मैंने कहा था घर ही जाके कहीं से खा लेंगे, तो स्टार पिज़्ज़े से पिज़्ज़े ही ऑर्डर कर दिए थे, तो वो पिज़्ज़े आ गए, और अब वो पिज़्ज़े भी खाएंगे थोड़ी देर में। गाड़ी भी खाली करनी है, 10 बज गए, 10:30 के 10 बज गए, तो अभी भी दिन है, आप देख सकते हैं पीछे रोशनी है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जाएंगे उधर, तो बारबेक्यू वगैरह का प्रॉपर सामान लेके जाएंगे, और रियली नाइस प्लेस है कि डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि जाए, जिसने जाना है तो जाए उधर। तो क्योंकि ब्लैक पूल गया, आगे पीछे होल की साइड पे गया, पानी बहुत गंदा था, और भी 2-3 जगहों पे गया पानी गंदा था, इतना साफ पानी नहीं था, और जगह भी बहुत प्यारी है। तो खैर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।